हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़े थे उसमें हमारा 12th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट चालू था। उसमें हमने पढ़ाई की थी, हमने लास्ट यदि हम दो लेक्चर्स के ऊपर फोकस करते तो हमने पढ़ा था वहाँ पे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, ओके, एंड हमने वहाँ पे कूलम्बियन फोर्सेस की इंफॉर्मेशन ली थी, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 6 एग्जाम्पल्स किए थे जो इसी चैप्टर के रिगार्डिंग में थे। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो देखने वाले, हमारा जो टॉपिक है वो टोटली टॉपिक जाने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आप बचपन में मैग्नेटिक के साथ खेले होंगे, आपको पता होगा कि जब एक मैग्नेट होता है तो आप जब उसके साथ एक दूसरा मैग्नेट लेके आते हो तो आपने देखा होगा कि एट सम ऑफ डिस्टेंस के बाद वो सीधा उसको चिपक जाता है। तो ए जो सीधा जो चिपक जाता है ना, तो वहां पे हुआ क्या कि एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा दिया। तो एज अ सेम मैनर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगा देता है, तो वो जो एक रीजन कवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लेक्चर्स के जो टॉपिक बनेंगे वो बनेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस पढ़ेंगे, एंड हम आज के लेक्चर से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आपके सामने है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर्स आर टू बी डिस्कस। आज के लेक्चर्स के टॉपिक देख लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन होगा। तो लेट मी स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे एक कैपिटल चार्ज क्यू बैठा, आप देखिए, एंड यहाँ पे हमारे पास एक और चार्ज पड़ा हुआ है। बट ऐसा हुआ कि इस चार्ज के ऊपर ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगा। तो हमने ऐसा किया है, जो स्मॉल क्यू चार्ज था ना उसको हम थोड़ा सा नजदीक लेके आ गए एट डिस्टेंस आर, एंड वो जो चार्ज की वैल्यू थी जिसको हमने लिखा है दैट चार्ज इज क्यू जीरो। तो हमने आपको पहले भी ये चीज बता दी कि जैसे मैग्नेट को लेके आते थे उसी तरह से हम यहाँ पे चार्ज को लेके आए। तो हुआ कैसा कि जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लेके आए तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगा। तो ये जो फोर्स लगा वो कितने रीजन में लगा, तो वो आप देखिए, आप एक यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं हम लोग, एंड इतने रीजन के अंदर आप इस चार्ज को लेके आएंगे तो वो कैपिटल क्यू चार्ज वो स्मॉल क्यू वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा ही देगा। तो ये जो रीजन होता है दैट रीजन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है जो आपको दिखाई नहीं देता बट उसकी इफेक्ट यहाँ पे महसूस होती है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो अ चार्ज प्रोड्यूस सम इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड इट, है ना। तो कोई भी चार्ज होता है ना वो अपने आसपास एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल क्यू जो चार्ज था उसने भी अपने आसपास एक इफेक्ट प्रोड्यूस की है, एंड उसी इफेक्ट की बदौलत यहाँ पे जो स्मॉल क्यू जीरो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है बेटा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बेसिक डेफिनेशन तो फिर क्या बनेगी। तो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना वो है द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रिवेलिंग इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा रीजन जिसके अंदर वो चार्ज की इफेक्ट होती है बाकी चार्ज के ऊपर, तो वो जो रीजन होता है ना दैट रीजन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, उसी चार्ज की वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोली जाती है। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन थी। अभी हमारे दिमाग में सवाल आएगा तो फिर सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे किया जाएगा, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या ऐसा उसको नजदीक लेके आएंगे एंड हम आंसर निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने की मेथड है वो मेथड हकीकत में इनडायरेक्ट मेथड में से आती है। मेजरमेंट के दो टाइप्स होते हैं ना, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मीनिंग क्या होगा, हम यहाँ पे सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट कर देंगे, यानी कि फोर्स को हम लोग एक टर्मिनोलॉजी बना देंगे और फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जितना ज्यादा फोर्स उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो कि बड़ा मैग्नेट होता है तो ज्यादा फोर्स के साथ किसी को खींचेगा, एंड कम मैग्नेट होगा तो उस कम फोर्स के साथ खींचेगा। तो सीधी सी बात है, जो बड़ा मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, एंड जो छोटा मैग्नेट होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो उसी तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वो दूसरे चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, एंड जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वो दूसरे चार्ज के ऊपर कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू जीरो ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू की वजह से क्यू जीरो के ऊपर कितना फोर्स लगता है, एंड फोर्स हम बेटा कैसे निकालते थे,
कूलम लॉ के ऊपर से, जो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ाया था। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उसको देख लें, और उसके बाद ही आप इस लेक्चर्स में आइए, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू 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 जीरो ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। तो देखिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो भी बताया था। तो फोर्स वेक्टर इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू जीरो डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, कैरेट आर लिखा है, एच आर बोल सकते हो। तो ये इतना फोर्स होगा। नाउ तो एक क्यू जीरो क्या है भाई, क्यू जीरो को आप क्यू लेके आए थे, तो आप बोलेंगे सर क्यू जीरो तो हम टेस्ट करने के लिए लेके आए थे ना। सो हियर द क्यू जीरो इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम एक छोटा सा चार्ज वहां पे लेके आए, है ना। तो इसलिए इस चार्ज को क्या बोला जाता है, क्यू जीरो बोला जाता है। एंड ये जो क्यू जीरो होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए, इट शुड बी द मिनिमम। तो आप बोलेंगे सर मिनिमम क्यों होना चाहिए, तो वो मैं आपको इसी लेक्चर में आगे समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि क्यू जीरो इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, एंड दिस द वैल्यू ऑफ द टेस्ट चार्ज शुड बी अ मिनिमम। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अभी फोर्स फाइंड आउट किया, आप बोलेंगे सर फोर्स के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डिंग द फोर्स इज एज लाइक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मुझे पक्का पता है कि आप कुछ भी नहीं समझे, आपको लगा कि सर क्या है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट। तो देखिए मान लीजिए कि कैपिटल क्यू की वजह से यहां पे एक चार्ज था जिसकी वैल्यू मान लो कि एक कुलम थी, है ना। तो यहाँ पे जो वन कुलम चार्ज था और कैपिटल क्यू की वजह से वन कुलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा वो सपोज लगा 1000 न्यूटन। अभी बच्चों ऐसा सोचो, तो यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स होता तो, सॉरी 2 कुलम चार्ज होता तो क्या वहां पे 1000 कुलम लगता। आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आमने सामने वहां पे क्या टक्कर बहुत ही अच्छी हुई ना, पहले वो क्यू के सामने 1 कुलम ही था, अभी क्यू के सामने क्या आया 2 कुलम आया, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू कम हो जाती, सीधा ही मान लो कि 1000 में से 500 न्यूटन हो जाती। सपोज यहाँ पे क्यू के सामने 1000 कुलम चार्ज होता तो, या बहुत ही हैवी चार्ज हम लगा देते, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग मिलती। इसलिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि यूनिफॉर्मली हम ऐसा बोल देंगे कि फोर्स जो लगा वो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा। जैसे कि आपको ऐसा बोला जाए कि 10 कुलम चार्ज होता है तो 100 न्यूटन जितना फोर्स लगा, तो 1 कुलम चार्ज में कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना, हम उसको बोलेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट चार्ज, एंड हम हर एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कंसिडर करने वाले, उसको हम कनेक्शन करवाने वाले है 1 कुलम चार्ज के साथ। तो इसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यूनिट पॉजिटिव यानी कि 1 कुलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो आप समझ गए होंगे, एक बार देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है एंड उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो चलिए बेटा, पर यूनिट चार्ज बोलते हैं ना, तो आपको पता है कि हम यदि बोले कि भाई आपके पास 100 चॉकलेट है, ओके, और 50 स्टूडेंट्स थे, तो हर एक बच्चे के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी, आप क्या बोलेंगे सर दो दो आएगी, आपने कैसे आंसर लिखा दिया 100 डिवाइड बाई 50। तो आपने कहा कि पर स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट से डिवाइड किया, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, पर यूनिट चार्ज, तो हमें चार्ज के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो फोर्स इज इक्वल, यहाँ पे बोलेंगे फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, तो चार्ज यानी कि क्यू जीरो जिसके ऊपर हम जो फोर्स लगता था वो इज इक्वल टू। तो बेटा देखो, आप जो इस इक्वेशन में भी आप बोल सकते हो कि यदि आप क्यू जीरो को इक्वल टू के इस तरह लाते हो तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एफ डिवाइड बाय क्यू जीरो इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर कैरेट आर, और इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई, कांसेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कुछ पॉइंट यहां पे ले लेते हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी हमने वेक्टर बनाया हुआ है, उसके जो राइट साइड है वहां पे फोर्स आता है, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर, सो करस्पोंडिंग वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड सेकंड पॉइंट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या होता है बेटा? तो उसके दो यूनिट होते हैं, फोर्स का न्यूटन होता है, डिवाइड बाय चार्ज का कूलम। तो उसका पहला यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एंड उसका दूसरा यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। उसका दूसरा यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर सीखेंगे। बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप खुद निकालिए, आप 11 साइंस में सब सीख चुके हैं ना, तो उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है M1 L1 T-3 A-1। ये कैसे आई वो आपको खुद आंसर निकालना है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T-3 A-1। तो ये था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड हम देख लेते हैं इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने बेसिक इक्वेशन तो लिखी दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके सामने, बट पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो वो फाइनल आंसर तो वही का वही है, बट मैं आपको फिर भी उसको एक और तरीके से समझाता हूं। हमने जो प्रीवियस देखा उसी को हम थोड़ा समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ। तो ओरिजिन ओ के ऊपर एक चार्ज है कैपिटल क्यू। ओरिजिन ओ के ऊपर क्या है? चार्ज है कैपिटल क्यू। नाउ तो हमें ऐसा लिखना है, एज शोन इन द फिगर कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑन द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कैपिटल क्यू जितना चार्ज पड़ा हुआ है। नाउ वी हैव वन टेस्ट चार्ज Q0, ओके, एंड द डिस्टेंस और वी कैन से द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस टेस्ट चार्ज Q0 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, दैट इज R। तो देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, है ना, कैपिटल चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, कंसिडर अ टेस्ट चार्ज Q0 at distance r from charge capital Q। तो capital Q से r जितने distance में हमने एक test charge लिया। Now, तो electric field की जो direction होती है ना वो force की direction के बराबर होती है। तो force की direction में last में आपको find out करनी सिखाई थी कि Q यहाँ पे इस तरह से force लगाएगा, positive charge repulsion होने वाला है। तो देखो this is the directions of the electric field जो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। Now force का force कितना है? F is equal to, तो हमने अभी अभी पढ़ा वैसा ही, K capital Q small Q जो divided by r square HR। Now, therefore the electric field at this point, तो इस point electric field कितनी? F by Q0, तो वही का वही equation आपके सामने एक बार फिर से आ गया ना, E is equal to F by Q0 divided by KQ by R square। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं एंड हमने आपको अभी अभी जो पहले एक मेथड बताई आप वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। Now, तो अभी जो पॉइंट आने वाला है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक हमने पॉइंट चार्ज लिया था, एक ही चार्ज था, मान लो कि अभी बहुत सारे चार्जेस है। तो एज शोन इन द फिगर अगेन वी हैव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, वी हैव मेनली थ्री चार्जेस। हां यू कैन सी हियर द थ्री पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3, और ऐसे हम यदि n चार्जेस बोलते हैं तो Q1 Q2 एंड सो मच एंड Qn, तो ऐसे Qn जितने चार्जेस यहां पे है। The position vectors of all of these charges are R1, R2 and ...RN. तो ये सभी charges की वजह से मुझे P point के ऊपर जो electric field apply होती है ना, electric field लगती है, हमें find out करनी है। So the position vectors of P is R, ठीक है। तो बेटा चले Q1 से P का distance कितना? R1 P, और उसकी वजह से जो electric field होगी that is E1। ऐसा हमने superposition principle के अंदर सीख लिया है। आपने यदि वो lecture नहीं देखा तो एक बार उसको बेटा देख लीजिए पहले। Now, Q2 की वजह से तो यहाँ पे E2 देख लीजिए एंड दैट डिस्टेंस इज R2P। एज अ सेम मैनर वी कैन से Qn फॉर द Qn चार्जेस, Qn चार्ज की वजह से P पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से जाएगी एंड दैट इज EN। सो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन ऑल्सो अप्लाई द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN। तो बेटा चलो इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन होता था ना कि आपको बताओ कि Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड HR। तो प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि Q डिवाइड बाई HR का क्या हो जाता है, R डिवाइड बाई यानी कि ऊपर वेक्टर्स नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो आर स्क्वायर तो था ही, एक और यदि R आता है तो वो वहां पे क्यूब हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू पहले चार्ज की वजह से KQ1 डिवाइड बाई R माइनस R1 क्यूब एंड R माइनस R1।
आपने यदि प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस ई टू के क्यू टू डिवाइड बाई आर माइनस आर टू क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आर माइनस आर टू, एंड यहाँ पे डॉट 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 यदि बात करते तो के क्यू एन डिवाइड बाई आर माइनस आर एन क्यूब एंड आर माइनस आर एन। तो आप सभी में से के को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ऐसे हम के को आउटसाइड भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है बेटा। तो आप इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एक बार जाके फिर से देख लीजिए, उसके ऊपर से सीधा हमने इक्वेशन लिखा है ना। आगे बढ़ते, हमारे पास मेनली दो चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपके सामने दिखाई हुई है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस देखिए आउटवर्ड साइड पे ना, देखिए एरो बाहर के साइड पे जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड साइड जाती है और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड आती है। एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि चार्ज के नजदीक में जो लाइंस है ना वो देखिए उसकी साइज ज्यादा है, और धीरे धीरे से जैसे हम दूर जाते हैं साइज कम होती जाती है। सेम है ना, यहाँ पे भी वही चीज आपको दिखाई देगी। तो इसका मीनिंग क्या, तो इसका मीनिंग होता है कि जितनी ज्यादा साइज है वहां पे फील्ड ज्यादा लगती है। तो उसका मीनिंग ऐसा भी निकल के आता है कि चार्ज के नजदीक में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, एंड जैसे जैसे आप दूर जाते हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो हमने यहाँ पे मेजर की, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हमने जो फाइंड आउट की हमने मेजर की, एंड हम वो भी यहाँ पे पढ़े कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या होती है। So, directions of the electric field lines for the positive charge is outward and for the negative charge it's a inward. So, बेटा चलिए यहाँ पे थोड़े important points देख लेते हैं अभी। So, some important points regarding the electric field. तो पहला point हमने क्या बोला था, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, it is a necessary that test charge should be very small or minimum. तो मैंने आपको ऐसा क्यों बोला था कि test charge की value minimum होनी चाहिए, because of to determine the electric field there should not be any change in the original system of charges due to the presence of test charge. इसलिए कि test charge की वजह से जो हमारा जो original charge था जिसकी electric field find out करनी थी उसकी position में change नहीं होना चाहिए। आप मान लो कि आप 10 कूलम चार्ज को 10 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हो एंड आप टेस्ट करने के लिए उसके सामने 1000 कूलम चार्ज रख के आते हो, तो क्या हो जाएगा, 1000 कूलम चार्ज सीधा 10 कूलम चार्ज को अपने और खींच लेगा या उसको रिवर्स कर देगा, जैसे वो प्लस होगा या माइनस होगा। बट हुआ तो क्या, उसकी पोजिशन चेंज हो गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो टेस्ट चार्ज होता है ना उसकी इफेक्ट हो सके उतनी कम होनी चाहिए। हमें जो इफेक्ट मेजर करनी है वो हमारे ओरिजिनल चार्ज की करनी है, ना ही कि हमारे टेस्ट चार्ज की। इसलिए बोला जाता है Q0 tends to zero, उसकी वैल्यू हो सके उतनी मिनिमम होनी चाहिए। लिमिट में आप पढ़ चुके हो, आई थिंक 11 साइंस में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे Q0 tends to zero, बट मिनिमम वैल्यू कितनी होती है किसी भी चार्ज की जो हम क्वांटाइजेशन में पढ़े थे, वो होती है 1.6 into 10 to minus 19 कूलम, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही की वही, यानी कि डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इसलिए तो हमने जब आगे देखा तो लास्ट टाइम जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में फोर्स की डायरेक्शन दिखाई थी, उसी तरह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट एन इमेजिनरी कंसेप्ट, है ना, इट्स अ फिजिकल रियलिटी। एक कोई ऐसा वर्चुअल नहीं, इमेजिनरी नहीं, एक ऐसा सिर्फ माना जाता है, इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल, ये हकीकत में होता है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के नजदीक आता है तो जो रीजन वहां पे कवर्ड हो चुका है जिसकी जिसके अंदर आने से उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो ये सब एक सच्चाई है, इट्स अ रियलिटी। फोर्थ पॉइंट इज, फैराडे वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके नॉलेज के लिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो किसने आइडेंटिफाई किया, वो फैराडे ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हुआ था। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर आउटवर्ड एंड फॉर द पॉजिटिव चार्जेस व्हाइल फॉर इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्जेस, है ना। आगे हमने देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज में वो आउटसाइड पे होता है एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर वो
इनवर्ड साइड पे होता है, यानी कि रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमने आज के यहाँ पे हमारे यहाँ पे टॉपिक हमने देखे। ठीक है बेटा, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट, हमने देख लिया बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसके ऊपर हम उसकी बेसिक डेफिनेशन सीखे, उसके बाद हमने वो पढ़ा कि फोर्स के रिगार्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं। फोर्स का इक्वेशन होता है K Q1 Q2 / R2। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या बेटा होता है, सिंपली KQ/R2 होता है। उसके बाद हम पढ़े कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी वही का वही फंडा था, एंड द मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था उसके ऊपर से ही ये हमारा कंसेप्ट निकल के आया। इस टॉपिक के अंदर यानी कि आज के लेक्चर में आपको सबसे ज्यादा सबसे याद रखने वाला टॉपिक पॉइंट क्या है, वो है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती है, वाइल नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड साइड पे आती है। तो आज के टॉपिक थे हमारे साथ, ऐसे ही लेक्चर्स में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू बी प्रेजेंट इन द लेक्चर्स। एंड आप यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमें हमारे नंबर के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9427729500। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद लेक्चर्स में बने रहने के लिए, धन्यवाद।